मंत्रालय ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें 15 दिसंबर से उन्होंने कहा था कि हम पहले की सारी लेने हम फास्टैग कर देंगे, लेकिन कल ही मंत्रालय ने एक और सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि 25% लेन हम हाइब्रिड रखेंगे। हाइब्रिड मतलब उनमें हम कैश ट्रांजेक्शन भी करेंगे और कोई अगर फास्टैग वाला है उसे भी जाने देंगे, लेकिन जो बाकी 75% लेन है उसको हमें आज से फास्टैग डेडिकेटेड लेन है। और अगर उस लेन से कोई बंदा जाना चाहता है जिसकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है या किसी का ब्लैकलिस्ट है फास्टैग, तो उससे हमें डबल चार्ज एक तरह से हम करेंगे उनसे। कोई जो नॉन फास्टैग गाड़ी फास्टैग लेन में जा रही है उससे हमें डबल चार्ज लेना है एज़ पर मंत्रालय की जो गाइडलाइन है। इस पर भारत सरकार ने 2014 में एक गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाला था जिसके तहत ये लिया जाएगा। कोई भी और किसी को भी मनाही नहीं है फास्टैग लेन यूज़ करने में, कंडीशन ये है दे आर विलिंग टू पे डबल चार्ज। फास्टैग वैसे है तो सही क्योंकि उसमें टाइम की भी बचत होती है और जो ये पर्ची वगैरह कटवाने में और थोड़ा उसकी भी बहुत बचत है क्योंकि ऑटोमेटिक सारा सेंसर सिस्टम पे है, लेकिन थोड़ी कमियां भी हैं क्योंकि उसमें ना डायरेक्ट वो इंट्रैक्शन नहीं हो पाती, उसमें भी कितने पैसे कटे कितने वो मैसेज आए ना आए गलत भी कई बार हो जाता है, उसमें थोड़ा उसकी वो नुकसान भी हो सकता है।